सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो वहीं साल में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। आपको बताते चले, देवशनि एकादशी के दिन चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और देवशनि एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। मान्यता के मुताबिक इस दिन श्री हरि की उपासना करने से जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। आज सनातन धर्म को मानने वाले लोग देवशनि एकादशी का व्रत रख रहे हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि आषाढ़ माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 16 जुलाई रात 8:33 से ही शुरू हो गई है और इसका समापन 17 जुलाई को रात्रि 9:02 पर होगा। ऐसी स्थिति में देवशनि एकादशी का व्रत आज यानी 17 जुलाई को रखा जा रहा है। मान्यता के मुताबिक देवशनि एकादशी के दिन पूजा उपासना करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं।